नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश में कोरोना के रिकॉर्ड 97,894 नए केस, एक्टिव केस 10 लाख के पार। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही बढ़ रहा है। देश में एक दिन में अब तक के रिकॉर्ड 97,894 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 केस दर्ज किए गए थे। वहीं एक दिन में 1,132 लोगों की जान गई है। हालांकि रिकॉर्ड 82,961 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं विगत 15 दिनों से लगातार हर दिन मौतों का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,18,000 हो गई है, जबकि अब तक 83,198 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 10,09,000 हो गई है। संजय राउत का तंज, क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हुए इतने लोग? महाराष्ट्र में कोरोना मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र ने कोरोना के मामलों में अन्य राज्यों के साथ ही कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भाभी जी के पापड़ पर तंज कसा। राउत ने कहा कि मैं सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इतने लोग आखिर कोरोना से रिकवर कैसे हुए? क्या लोग भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए? संजय राउत स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर बहस के दौरान बोल रहे थे। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा पर जारी विवाद को लेकर आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद अभी अनसुलझा है, चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौते की अनदेखी कर रहा है और वह LAC को नहीं मानता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और हम देश का सिर झुकने नहीं देंगे। हमारे सैनिकों ने चीन की गतिविधियों के सामने संयम बनाए रखा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से शौर्य का प्रदर्शन भी किया। चीन ने अपनाया 1962 वाला पैतरा, LAC पर बजा रहा पंजाबी गाने। लद्दाख में LAC पर जारी तनाव के बीच चीन ने नया पैतरा अपनाया है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन की सेना ने पेंगोंग झील के पास फिंगर फोर और चुशुल में मोल्डो सैन्य चौकी पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजाना शुरू किए हैं। चीनी सेना ने 1962 और 1967 में भी लाउड स्पीकर रणनीति का इस्तेमाल किया था। चीनी सेना की कोशिश है कि भारतीय जवानों में असंतोष पैदा करके और कड़ाके की ठंडक की याद दिलाकर उन्हें पीछे हटाने पर मजबूर किया जाए। यह भी कहा जा रहा है कि चीन की यह चाल भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर बधाइयों का तांता, भाजपा ने मनाया सेवा सप्ताह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर भाजपा पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह मना रहे हैं। वहीं जन्मदिन पर PM मोदी को सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा रहा। लोग उनकी लंबी उम्र की कामनाएं कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्वीट कर PM मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। यह मुठभेड़ श्रीनगर के बाटा मालू इलाके में हुई। इस दौरान CRPF के 2 जवान घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाटामूला के फिरदोशाबाद इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने रात करीब 2:30 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। ड्रग केस में नाम आने पर रकुल प्रीत पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, दायर की याचिका। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी कर उनका नाम लेने से मीडिया को रोका जाए। हाईकोर्ट ने रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, प्रसार भारती और प्रेस परिषद से रकुल की याचिका के मामले में जल्द फैसला लेने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा। एनसीआर की तरह लखनऊ कानपुर के बीच काउंटर मैग्नेट सिटी बसाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर लखनऊ और कानपुर के बीच काउंटर मैग्नेट सिटी बसाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य एनसीआर के दबाव को कम करना है। काउंटर मैग्नेट सिटी में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे उद्योगों आदि के साथ ही अन्य परियोजनाओं के अनुकूल वातावरण बनेगा। इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का पलायन रोका जा सकेगा। देश में फिलहाल 5 काउंटर मैग्नेट सिटी हैं, जिसमें ग्वालियर, बरेली, रामपुर, पटियाला, कोटा और हिसार शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।